साउथ और बॉलीवुड में ऐसे कुछ एक्टर हैं जिन्होंने अपनी फिल्म को कंप्लीट किया था, पर काफी दुख की बात यह है कि इन सब एक्टर ने अपनी फिल्म को नहीं देख पाए, क्योंकि इन सब एक्टर हम सबको छोड़कर चले जाने के बाद फिल्म थिएटर पर रिलीज हुआ। दोस्तों, इस लिस्ट पर ऐसे कौन से एक्टर है जानने के लिए सुशीन तक की वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। सुशांत सिंह राजपूत, जहां पर बॉलीवुड का वन ऑफ द यंग टैलेंटेड एक्टर रहा सुशांत। सुशांत ने एमएस धोनी और छिछोरे जैसे फिल्में दिया है, पर सिर्फ 34 साल में उन्होंने हम सबको छोड़कर चली गई 2020 में, और जो काफी अनएक्सपेक्टेड था। और दोस्तों, सुशांत का लास्ट फिल्म रहा दिल बेचारा, और उनका जाने का लगभग 1 महीने के बाद इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था। थिएटर नहीं बल्कि ओटीटी पर रिलीज हुआ और ये डिजिटल ही रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर 2, पावर स्टार पुनीत राजकुमार। कन्नडा में राज करने वाले नाम था पुनीत, और सिर्फ 46 साल की उम्र में उन्होंने हम सबको छोड़कर चले गए। और जहाँ पर पावर स्टार ने राजा कुमारा और आपू जैसे काइजर ब्लॉकबस्टर फिल्म में दिया है। पता दोस्तों, पावर स्टार का लास्ट फिल्म रिलीज हुआ 2021 में जेम्स, और जिस फिल्म को पुनीत ने नहीं देख पाए, पर उनका स्माइल, एक्शन और फैंटास्टिक डांस सबका दिल और एक बार जीत लिया। और रिसेंटली 2022 पर उनका लास्ट डॉक्यूमेंट्री ड्रामा फिल्म रिलीज हुआ गांधा दा गुडी, और ये एक डोकू ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशन है, जहां पर लास्ट टाइम के लिए पुनीत सर का सेल्फलेस प्यार और उनका स्माइल देखने को मिला है। नंबर 3, ऋषि कपूर। बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लेजेंडरी एक्टर था ऋषि ने। बॉबी दीवाना है उनका जैसे फिल्म में दिया है ऋषि जी ने, और 2020 पर उन्होंने हम सबको छोड़कर चले गए। उनका लास्ट फिल्म रहा शर्मा जी नमकीन, जो उनका जाने का 2 साल के बाद रिलीज हुआ। काफी दुख की बात यह है कि उन्होंने इस फिल्म को नहीं देख पाए, और उनका जो शूटिंग बाकी था वो बाद में परेश जी ने कंप्लीट किया है। नंबर 4, श्रीदेवी। बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार थी श्रीदेवी ने, जहाँ पर मिस्टर इंडिया, चांदनी और इंग्लिश विंग्लिश जैसे फिल्म में दिया है श्रीदेवी। और दोस्तों, 2018 में उन्होंने हम सबको छोड़कर चली गई, और उनका लास्ट रिलीज फिल्म रहा जीरो, जो उनका जाने के लगभग 9 महीने के बाद रिलीज हुआ था, जहां पर बादशाह शाहरुख खान के साथ श्रीदेवी को एक कैमियो पे नजर आई। नंबर 5, चिरंजीवी सर्जा। कन्नडा का यंग एक्शन हीरो था चिरंजीवी। अम्मा आई लव यू, चंद्रलेखा जैसे फिल्म में दिया है उन्होंने, पर बता दोस्तों, सिर्फ 39 साल की उम्र में 2020 में उन्होंने हम सबको छोड़कर चला गया। और उनका लास्ट रिलीज फिल्म रहा रानम, जो चिरू का जाने का लगभग 1 साल के बाद रिलीज हुआ था, जहाँ पर उनको एक कॉप के रोल में नजर आई है। पर अफसोस की बात यह है कि ये फिल्म उन्होंने नहीं देख पाए। नंबर 6, सुरेखा सीकरी। 3 टाइम्स नेशनल फिल्म अवार्ड विनर एक्ट्रेस थी सुरेखा ने, और उन्होंने बधाई हो जैसे फिल्म में दिया है, पर 2021 में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने हम सबको छोड़कर चली गई। और उनका लास्ट रिलीज फिल्म रहा क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है, ये उनकी जाने की 2 महीने के बाद रिलीज हुआ। नंबर 7, इरफान खान। जहाँ पर बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड एक्टर था इरफान ने, जहाँ पर उन्होंने हमेशा कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में दिया है, जैसे कि द लंच बॉक्स, हिंदी मीडियम जैसे फिल्में। और 2020 में उन्होंने हम सबको छोड़कर चला गया, और उनका लास्ट रिलीज फिल्म रहा मर्डर एट तीसरी मंजिल, जो उनका जाने का लगभग 1 साल के बाद ओटीटी पर रिलीज हुआ। नंबर 8, अक्किनेनी नागेश्वरा राव। तेलुगु इंडस्ट्री का लीजेंडरी एक्टर था नागेश्वरा राव ने। पता दोस्तों, 2014 उन्होंने हम सबको छोड़कर चला गया, और उनका लास्ट रिलीज फिल्म रहा मानम, और ये फिल्म उनका जाने का लगभग 6 महीने के बाद रिलीज हुआ, और ये रहा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म। नंबर 9, दिव्या भारती। जहाँ पर दिव्या ने बॉलीवुड के साथ ही साथ साउथ का भी मोस्ट टैलेंटेड यंग एक्ट्रेस थी, और उन्हें अपने कैरियर में दीवाना, शोला और शबनम जैसे फिल्म में दिया है। पर दुख की बात यह है कि सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने हम सबको छोड़कर चले गए। उनकी जाने के बाद 2 फिल्में थिएटर पर रिलीज हुआ था, जिसमें एक है रंग, और इस फिल्म का शूटिंग चलने के बाद दिव्या की डेथ हुई, और इसी वजह से फिल्म का कुछ सीन बाकी था, और बाद में दिव्या की जगह पर दूसरे एक्ट्रेस को कास्ट किया गया था। और इसके बाद फिल्म आई शतरंज, और ये फिल्म दिव्या की जाने के बाद रिलीज की गया। नंबर 10, एसपी जनानाथन।
और उन्होंने रहा तमिल का काफ़ी वेल नोन डायरेक्टर और ज़्यादातर उनको भूलोहम फिल्म के लिए जाने जाते हैं। और 2021 में उन्होंने हम सबको छोड़कर चले गए और उनका लास्ट डायरेक्शनल फिल्म रहा 2021 का फिल्म लाबम, जहाँ पर विजय सेतुपति श्रुति हसन लीड रोल में नजर आई है और उनका जाने के बाद ही इस फिल्म को रिलीज की गया। नंबर 11 विष्णु वर्धन, जहाँ पर कनाडा का वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एक्टर माना जाता था विष्णु को और उनका टाइटल था द एंग्री यंग मैन ऑफ कन्नडा सिनेमा। और बता दोस्तों 2009 में उन्होंने हम सबको छोड़कर चला गया और उनका लास्ट रिलीज फिल्म रहा आपथरक्षा का और उनका जाने का एक साल के बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया था जो बॉक्स ऑफिस तोड़कर कलेक्शन करके एक इंडस्ट्रीड फिल्म साबित हुई। नंबर 12 ओम पुरी, बॉलीवुड का लेजेंडरी एक्टर था ओम पुरी ने, जहाँ पर उन्होंने 2017 में हम सबको छोड़कर चला गया और उनका लास्ट रिलीज फिल्म था ट्यूबलाइट जो 2017 में आई और इसमें भाईजान सलमान खान के साथ ओम को नजर आया था। पर दोस्तों ये फिल्म उनका जाने का लगभग 5 महीने के बाद रिलीज हुआ। दोस्तों ये रहा बॉलीवुड और साउथ का कुछ ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने अपनी फिल्म को नहीं देख पाया और प्रे करती हूँ कि इन सभी एक्टर ने जहाँ भी रहे शांति से रहे। दोस्तों इन सभी एक्टर के बीच में आप कौन से एक्टर को ज़्यादा मिस करते हो कमेंट में बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सबको बॉलीवुड और साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।